Gaza burned and billowed as Israeli airstrikes hit cars, factories, and homes. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ तिवारी और आप देख रहे हैं पंचायती ज्ञान। दोस्तों, आज एक बार फिर से इजराइल और फिलिस्तीन आमने सामने हैं, लेकिन यदि दोनों की परिस्थितियों को समझना है तो हम इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके इतिहास को समझना होगा, जो शुरू होता है आज से 100 वर्ष पहले प्रथम विश्व युद्ध के समय से। प्रथम विश्व युद्ध के पहले जो फिलिस्तीन वाला इलाका था वो ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तब तक जो फिलिस्तीन वाला इलाका है उसे ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले लिया था। उस समय तक दोस्तों इजराइल जैसे किसी भी देश की स्थापना नहीं हुई। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के कुछ पीछे 1897 से ही यहूदियों ने एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट चलाया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था यहूदियों के लिए एक अलग स्टेट की स्थापना करना। दोस्तों अब आते हैं 1917 में। 1917 तक जो फिलिस्तीन है वहाँ जो लोग वहाँ रहते हैं अरब, वो मेजॉरिटी में थे और जो यहूदी थे वो माइनॉरिटी में थे। 1917 में ही ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स बालफोर द्वारा एक बालफोर डिक्लेरेशन लाया गया, जिसके द्वारा यहूदियों की यह मांग मान ली गई कि उन्हें एक स्टेट दिया जाए और फिलिस्तीन को उन्होंने उनका नेशनल होम घोषित कर दिया। उसके बाद ही अरब और जो यहूदी थे इनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हुई, लेकिन इनके बीच टकराव का जो सबसे बड़ा कारण था वह था जर्मनी में नाजी सरकार का आना। नाजी सरकार का मुखिया हिटलर यहूदियों पर क्रूरता से अत्याचार कर रहा था, इस कारण से यहूदी डर कर यूरोप से फिलिस्तीन की तरफ भागे। पूरे यूरोप से इसलिए भागे क्योंकि स्पेन और फ्रांस की नीतियाँ भी यहूदियों के लिए अच्छी नहीं थी। फिलिस्तीन में 1935 तक जो यहूदियों की संख्या 1917 में 10% थी वो 35% के आसपास हो गई। इसलिए अरब जो थे वो यहूदियों से डरने लगे कि कहीं ये हमारा साम्राज्य हड़प ना लें। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाइयाँ शुरू हुईं। 1947 में ब्रिटेन ने यहूदी और अरब लड़ाई को सुलझाने के लिए यह मुद्दा यूएन में उठाया। यूएन ने फिलिस्तीन के तीन भाग कर दिए, एक भाग यहूदियों के लिए इसराइल देश बना, दूसरा भाग अरब लोगों के लिए फिलिस्तीन बना, और तीसरा जेरूसलम था जो एक महत्वपूर्ण सिटी थी तीनों के लिए, यहूदियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी और मुस्लिम के लिए। उसे इंटरनेशनल सिटी घोषित कर दिया, जिसमें जो गवर्न होगा वह इंटरनेशनल रूल्स द्वारा होगा, और इस तरह 1948 में इसराइल की स्थापना। फिलिस्तीन के लोगों में और वहाँ की सरकार में एक आक्रोश था यहूदियों के प्रति, इसराइल के प्रति, जो बहुत दिनों तक उनके अंदर नहीं रहा, बल्कि यह फूटा एक युद्ध के रूप में। फिलिस्तीन ने अकेले नहीं बल्कि कई सारी इस्लामिक कंट्रीज़ ने मिलकर एक नवजात इसराइल में जो 1948 में ही बना था उस पर अटैक किया, लेकिन फिर भी इसराइल यह युद्ध जीत गया। कारण यह था कि इसराइल को पता था यदि वह यह युद्ध हार गया तो उसका अस्तित्व फिर से खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए वह यह युद्ध जीत गया। आप आज कुर्द को देख सकते हैं, कुर्दों की संख्या पूरी दुनिया में 4.5 करोड़ है, लेकिन फिर भी उनके पास उनका कोई देश न होने के कारण आज उनका अस्तित्व खतरे में है। जब फिलिस्तीन यह युद्ध हार गया उसके बाद इसराइल ने कई सारी जो फिलिस्तीन की जगह थी उस पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद 1967 में इसराइल ने अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाया और उसने इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन पर अटैक कर दिया। यह युद्ध केवल 6 दिनों तक चला, जिसे आप सब जानते हैं द सिक्स डे वॉर के नाम से, यह युद्ध बहुत फेमस है। इसमें उसने जो जॉर्डन है उसके वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम और सीरिया के गोल्डन हाइट्स और जो इजिप्ट है उसके गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद 1973 में एक बार फिर युद्ध हुआ, लेकिन इस बार अरब कंट्रीज़ ने इसराइल पर अटैक किया और इस बार इसराइल को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा। 1975 में इसराइल और इजिप्ट के बीच एक ट्रीटी होती है, जिसमें जो सिनाई पेनिनसुला है वह इसराइल इजिप्ट को वापस लौटा देता है। 1987 में हमास नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप एग्जिस्टेंस में आता है, जिसका मूल उद्देश्य है इसराइल से को हरा कर उसका एरिया वापस लेना और एक फिलिस्तीन राज्य फिर से बनाना। 2007 से ही गाजा स्ट्रिप जो जगह है वहाँ हमास का कब्जा है। आज हमास जो
जहाँ कब्जा किया गाज़ा में, वहाँ लोगों के पास खाने को नहीं है, वहाँ लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लेकिन हाँ उनके पास युद्ध करने के लिए मिसाइलें हैं। ईरान जो है वो गाज़ा की मदद करता है और हमास की मदद करता है। दूसरा ग्रुप है फतह। फतह की मदद वेस्टर्न कंट्रीज़ करती हैं, और जो इसराइल और फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक वाला इलाका है वहाँ इनका कंट्रोल है। अब हमें फतह और हमास के आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को भी समझना चाहिए। जो हमास है उसे दुनिया की कई सारी कंट्रीज़ ने एक मिलिटेंट ग्रुप घोषित कर दिया है, और जो हमास है वो टू स्टेट की सॉल्यूशन को नहीं मानता है। उसका मानना है कि जो इसराइल की पूरी जगह है वह फिलिस्तीन की है और हम उसे वापस लेकर रहेंगे। ये लोग वॉयलेंस पर भी भरोसा करते हैं। दूसरा ग्रुप जो फतह है वह शांति स्थापित करना चाहता है। वह जो इसराइल है उससे बात तो करता है, उससे अपनी ज़मीन वापस लेना चाहता है जो 1967 के बाद उसने ऑक्यूपाइड किया उसको, लेकिन वह शांतिपूर्ण तरीके से लेना चाहता है। इस बात को समझने के लिए हमें जेरूसलम के महत्व को समझना होगा। जेरूसलम दुनिया के तीन धर्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। इसमें इस्लाम भी है। इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वह अल अक्सा मस्जिद है जो कि जेरूसलम में है, और यहूदियों का जो सबसे पवित्र स्थान है वो भी जेरूसलम में है, और दोनों की जो दूरी है वो बहुत पास पास में है। इसीलिए जो इसराइल है वह पूरे जेरूसलम पर क्लेम करता है कि यह हमारा इलाका है, जबकि जो फिलिस्तीन है वह ईस्ट जेरूसलम पर क्लेम करता है। एक सच यह भी है कि पिछले 50 सालों में इसराइल ने लगभग अपने 6 लाख लोगों को जेरूसलम में शिफ्ट किया है, जबकि फिलिस्तीन इसका लगातार विरोध करते आया है और यह इसे इलीगल मानता है। दोनों देश अपने अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए अपने अपने एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। इसराइल कहता है कि ऑटोमन एम्पायर के समय बहुत सारे यहूदियों ने जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है वहाँ ज़मीनें खरीदी थी। उसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर साम्राज्य ख़त्म हुआ तो फिलिस्तीनियों ने उन जगह को हड़प लिया और वहाँ अपने अपने घर बना लिए। अब इसराइल उन जगहों को वापस चाहता है, जबकि फिलिस्तीन कहता है कि 1967 के वॉर के बाद इलीगली इसराइल ने उसकी टेरिटरी को कैप्चर कर लिया है और वह उसे वापस चाहता है। Gaza burned and billowed. In return, hundreds of rockets fired by Palestinian Hamas militants streaked out toward Israel. In a major escalation tonight, many were aimed at Tel Aviv. अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। हालांकि कई दिनों से आप इन्हें न्यूज़ पर सुन रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार शॉर्ट में बात कर लेते हैं। यह बात वही है जो ऑटोमन एम्पायर के समय जो यहूदियों ने अपने घर खरीदे थे उन्हें अब वो वापस ले रहे हैं। फिलिस्तीनियों को यह डर था कि उनसे उनके घर छीन लिए जाएंगे, इसलिए उन्होंने प्रदर्शन किए, उन्होंने रैलियां निकाली और फिर रैलियों में झड़पें हुई। फिर इसी दौरान जो मुस्लिमों की मस्जिद है अल अक्सा, वहाँ पर इजरायली पुलिस ने घुसकर आंसू बम और ग्रेनेड दाग दिए। इससे यह मुद्दा इस्लाम का मुद्दा बन गया, और फिर जो गाज़ा में हमास है जो पूरे फिलिस्तीन को एक बड़ा देश बनाना चाहता है, जो इसराइल को हराना चाहता है, उसने इसराइल पर मिसाइल दागे, और बचाव स्वरूप कहें या कि उसका परिणाम कहें, इसराइल ने गाज़ा पर मिसाइल दागे। दोनों देशों की लड़ाई में कई मासूम मारे गए। '93 में अमेरिका और रशिया की पहल से इसराइल और फिलिस्तीन मिलते हैं। दोनों ओस्लो शांति समझौते में साइन करते हैं जिसमें था टू स्टेट सॉल्यूशन, और इसके तहत जो फिलिस्तीन है वह इसराइल को एक देश के रूप में मान्यता देता है, और इसराइल जो 1967 के वॉर में फिलिस्तीन की जो टेरिटरी को ऑक्यूपाइड करता है उसे वापस देने का प्रॉमिस करता है। लेकिन बाद में इसराइल अपने प्रॉमिस से हट जाता है और वह उसकी टेरिटरी वापस नहीं करता है। रिसेंटली 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक पीस प्लान प्रपोज किया था जिसे इसराइल ने मान लिया, लेकिन फिलिस्तीन ने बोला कि यह वन साइडेड है और वह उसे नहीं माना। अब वेस्ट बैंक जेरूसलम वाली जगह इस समय सबसे ज़्यादा एक टेंशन वाली जगह है। इसराइल पूरे जेरूसलम पर फुल कंट्रोल चाहता है और वह वहाँ का सिंगल सुप्रीम रूलर्स बनना चाहता है।
इसके अलावा वह चाहता है कि इसराइल को पूरी दुनिया एक यहूदी देश के रूप में रिकॉग्नाइज करे या देखे। फिलिस्तीन चाहता है कि 1967 के युद्ध में जो इसराइल ने फिलिस्तीन के जो टेरिटरीज पर कब्जा किया था वह उसे वापस कर दे, जिससे फिलिस्तीन, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम को मिलाकर एक नई इंडिपेंडेंट कंट्री बना सके। इतना जानने के बाद हमें यह समझ में आता है कि ये जो पूरी लड़ाई है ये कुछ टेरिटरीज को लेकर है। इसके लिए जो बेस्ट सॉल्यूशन है वे रसिया और यूएस द्वारा जो 1993 में प्रपोज किया गया था वही है, टू स्टेट सॉल्यूशन। इसराइल को इसके तहत फिलिस्तीन की जो जगह ऑक्यूपाइड उसने की है वह उसे वापस करनी चाहिए, जिसमें गाजा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक है, ये दोनों जगह हैं। इसके बाद फिलिस्तीन एक इंडिपेंडेंट देश बन सकता है, क्योंकि जब तक उसके पास गाजा स्ट्रिप नहीं होगी और वेस्ट बैंक नहीं होगा वह एक बड़ा देश नहीं बन सकता, क्योंकि अभी वह बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ है। इसके बाद दोनों देश के जो बॉर्डर हैं वो क्लियरली डिज़ाइन करने चाहिए, जिसके बाद दोनों देशों के लोग शांति से और सुरक्षित माहौल में जी सकते हैं। इसराइल हो या फिलिस्तीन हो, दोनों को दूसरे कंट्री के ओपिनियन नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि जो भी कंट्री अपने ओपिनियन देगी वो अपने पक्ष में देगी। पहले अपना बेनिफिट देखेंगे वो लोग कि हमारा क्या उसमें बेनिफिट है। इसलिए इसराइल को और फिलिस्तीन को आपस में बैठकर बातें करनी चाहिए और आपस में ये मुद्दा सुलझाना चाहिए। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि भारत ने फिलिस्तीन का साथ क्यों दिया है, इसराइल का साथ क्यों नहीं दिया है, इस बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे इसराइल और भारत के रिलेशन में। दोस्तों, यह स्टोरी लिखी है मेरे दोस्त विशाल ने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।